हेलो दोस्तों तो ये है जी एस फ़ोर का पेपर यू पी पी सी एस मेस दो हज़ार तेईस चल रहा है तो आज तीसरा दिन था तो इस तीसरे दिन जी एस सेकेंड मीटिंग में जी एस फोर का पेपर हुआ जी एस फोर पेपर की थीम मोस्टली यही थी कि सिविल uh, सर्वेंट्स के बारे में और सिविल सर्वेंट्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन्हीं क्वालिटीज़ को बार बार जो है एक क्वालिटीज़ को नहीं सारी अलग अलग क्वालिटीज़ को हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा गया और हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स जो एट द टाइम काम कर रहे हैं और जिनका अच्छा काम है अगर उनके एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कोट कर पाते पेपर में तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे um, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मोरल इंसाइट हाउ डज़ इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ अ सिविल सर्वेंट तो सिविल सर्वेंट की मोरल सिचुएशन में उसकी मोरल इंसाइट्स किस तरीके से उसकी हेल्प करती है तो पहला क्वेश्चन आ गया सिविल सर्विस में दूसरा क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज के रेफरेंस में ही बताना है कि स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड करेज ऑफ फर्म कन्वेंशन कॉन्विक्शन ठीक है उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो फैमिली वैल्यूज़ और सोसाइटल वैल्यूज़ हैं कि किस तरीके से चाइल्ड में वो डेवलप की जाती हैं उसके बारे में बताना था चौथा क्वेश्चन था कि ग्लोबलाइजेशन का एरा है तो इस टाइम पर किस तरीके से इंटरनेशनल एथिक्स Uh, को मतलब uh, कि कोडिफाई करना चाहिए ये टाइम आ गया है इसके बारे में एक्सप्लेन करना था पांचवा क्वेश्चन था कि अगर जो इंफॉर्मेशन की कंसीलमेंट है अगर हम अपने सिटीजन से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं तो उसके पब्लिक एक्सेस और उसके इन्वॉलमेंट मतलब कि प्रोसेस गवर्नमेंट प्रोसेस के इन्वॉलमेंट में एक हिंड्रेंस है इसके बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में बताना था कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट प्रोसेस में ला सकते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन एटीट्यूड से रिलेटेड था डिस्क्राइब डिस्क्राइब वेरियस कम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड फॉर्मेशन तो इसमें कैब मॉडल को डिस्कस कर देना था डिस्कस एनी टू इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट के लिए फु टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन से होने चाहिए अगेन जो आपको दो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में लिख देना है उसका आठवां क्वेश्चन है हाउ कैन लिबर्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी बी फॉस्टर्ड एमंग सिविल सर्वेंट तो अब सिविल सर्वेंट्स के बीच में किस तरीके से लिबरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो है उनका लिबरल होना और किस तरीके से वो अपने अप्रोच में ऑब्जेक्टिव रहें इसको इंश्योर किया जा सकता है उसका नौ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो अगेन ये सिंपल क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इल्यूसिडेट द एग्जांपल्स तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल इन्फ्लुएंस मतलब किस तरीके सामाजिक सामाजिक समाज का क्या प्रभाव होता है क्या भूमिका होती है इसके बारे में बताना था तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको एग्ज़ाम्पल्स लिखने थे कुल लेना के ये है कि अगर हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स पता हों जो भी करंटली uh, जो है ऑफिसर्स हैं या जो वेटरेंस हैं उनके बारे में उनके ज़्यादा से ज़्यादा कोट कर सकें तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगला क्वेश्चन सेक्शन बी में आ जाते हैं जो कि बारह नंबर के हैं वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई एथिकल गवर्नेंस एल्यूसीडेट विद एग्जाम्पल्स तो एथिकल गवर्नेंस क्या होती है वाइल्ड फार्मलेटिंग पब्लिक पॉलिसीज अ सिविल सर्वेंट मस्ट सेटिसफाई मस्ट सेफली फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड वाइल्ड इंप्लीमेंटिंग दोज़ पॉलिस यू मस्ट हैव अ फोरसाइड टू इन फर द पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस तो सबसे पहले जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए तो सिविल सर्वेंट को हमेशा पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ में उसके उसके अंदर ये इंसाइट होनी चाहिए उसके अंदर ये आ, कहने कह सकते हैं कि इंट्यूशन होना चाहिए कि वो समझ सके कि कोई अनएक्सपेक्टेड अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे बस इसके बारे में बताना था उसके बाद में कैन भगवत गीता बी एथिकल गाइड फॉर अ सिविल सर्वेंट्स तो सिविल सर्वेंट के लिए भगवत गीता किस तरीके से हेल्पफुल है ये बताना था व्हाट इज़ मीनड बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स डिस्कस द डिटर्मिनेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन तो ह्यूमन एक्शन एथिक्स में बताना था और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ह्यूमन एक्शन के उसके अंदर एक कैसी स्टडी आई थी कि जो है राजीव जो है आइडियलिस्ट है और वो बिलीव करता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर्विस टू गॉड और वो जो है एक दिन इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यू के लिए जा रहा था लेकिन रोड पर एक एक्सीडेंट में एक इंजर्ड व्यक्ति उसको पड़ा हुआ मिला अब वो उसको लेकर जो है हॉस्पिटल चला गया और इसके कारण उसकी गवर्नमेंट जॉब छूट गई इंटरव्यू उसका छूट गया तो इस तरीके से हमें इस, इसमें जो भी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं या क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था उसके बारे में हमको बताना था व्हाट आर मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ तो पब्लिक लाइफ के क्या मेजर प्रिंसिपल हैं उसके उसको सूटेबल एग्ज़ाम्पल्स कि पब्लिक लाइफ में लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और लजिस्लेटर्स किस तरीके से कंडक्ट करें और क्या उनकी प्रिंसिपल्स होने चाहिए वाइल इन पब्लिक इस उसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ में और कौन से ऐसे लीडर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने अच्छे एग्जाम्पल्स सेट किए हुए हैं उसके बारे में बताना था नाउ अ डेज सोशल मीडिया इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इधर इन पॉजिटिव और इन निगेटिव वे बींग सिविल सर्वेंट हाउ विल यू सॉल्व दिस इशू तो इसमें बेसिकली ये बताना था कि जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक बायसनेस क्रिएट करती है वो न्यूट्रलिटी को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि अगर उसकी एल्गोदम ऐसी होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक आइडियोलॉजी या फिर एक पार्टी को फॉलो करना शुरू करता है तो उसी पार्टी से रिलेटेड ही इन्फॉमेशन उसके पास आती है और दूसरे साइड की परेशन उसके पास नहीं आती है तो इसके बारे में हमें बताना था कि हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि सारे फैक्ट्स और सारी जो मतलब रेश रेशनल डिसीजन एक सिटीजन ले सके हमारा वाइल यूजिंग द सोशल मीडिया तो इस, इसमें क्या आप एज़ अ सिविल सर्वेंट क्या इसमें सोल्यूशन देंगे उसके बाद में अगला क्वेश्चन था इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस तो इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज मतलब कि आप आपके अंदर इंटीग्रिटी है लेकिन आपके अंदर नॉलेज नहीं है बट आपके पास नॉलेज है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है तो आप इज़ वेरी डेंजरस एंड टेरिबल तो इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस मतलब कि आपके अंदर अगर इंटीग्रिटी है लेकिन नॉलेज नहीं है तो आप वीक और यूजलेस हो लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है और इंटीग्रिटी नहीं है तो आप बहुत ही डेंजरस और टेरिबल हो सकते हो इसको इसके इसको आपको एक्जाम्पल्स के जरिए जो है समझाना था और बताना था नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाई ए पब्लिक सर्वेंट इज़ अ टाइप ऑफ करप्शन करप्सन तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो भी एक टाइप ऑफ करप्शन है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ही आए हुए हैं कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट की कौन कौन से जो है क्वालिटीज़ होती हैं उनकी पब्लिक लाइफ में क्या हो रहा है और वो किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंटी किस तरीके से प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं आपसे सोल्यूशंस पूछ पूछे जा रहे हैं और अगेन यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज और दैट सिविल सर्वेंट कैन एम्प्लॉय टू ओवरकम रजिस्टर सॉरी डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज दैट सिविल सर्वेंट्स कैन एम्प्लॉय टू ओवरकम रजिस्टेंस टू चेंज एंड इफेक्टिवली इफेक्टिवलीसुएड इस्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स तो इसमें आपको स्ट्रेटजीज को बताना था कि सिविल सर्वेंट्स कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को जो है डेवलप कर सकता है जिससे जो रजिस्टेंस आ रहा हो पब्लिक से आ रहा हो एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा हो या हायर ब्यूरोसी से आ रहा हो तो किस तरीके से उसको फेस करे और फिर जितने भी इस्टेक होल्डर्स हैं यही यही सारे स्टेक होल्डर्स हैं आ रहे मिनिस्टर्स होते हैं हायर ब्यूरोक्रेसी होती है और मिनिस्टर्स uh, हो गए लीडर लेजिस्लेचर हो गए हमारी जनता हो गई तो इन सबको किस तरीके से परस्यू किया जाए तो इसमें परसुएशन जो परसुएशन हम पढ़ते हैं बार बार तो उसके बारे में एक दो कोर्स लिख देने थे फिलहाल तो काफ़ी बहुत लेंदी पेपर था और ज़्यादा ज़्यादा जो है सिविल सर्वेंट्स के बारे में लिखना था तो कम से कम चार पाँच बार तो नौली कमेटी लिखी गई है तो फिलहाल अगर फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब नेक्स्ट टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स uh, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्पल्स चाहे वो करप्शन में हो या फिर ऑनेस्टी में हो इंटीग्रिटी में हो अकाउंटेबिलिटी में हो ट्रांसपेरेंसी में हो ऑब्जेक्टिविटी में हो किसी चीज़ में हो इसके बारे में तो फिलहाल ठीक है तो ये अब कल जो है जीएस पेपर फाइफ और सिक्स जो कि यूपी स्पेशल का है वो होगा यूपी पी पी सीन का थैंक यू